खेलों का शुभारंभ साउथ रेंज के डीसी पंकज आईजी डॉक्टर सीएच राव व एसपी संगीता कालिया ने आसमान में गुब्बारे व कबूतर छोड़कर किया। प्रतियोगिता के पहले दिन महिला पुलिस व केएलपी कॉलेज की टीम ने रस्साकसी में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया। खेलों का शुभारंभ साउथ रेंज के डीसी पंकज आईजी डॉक्टर सीएस राव व एसपी संगीता कालिया ने आसमान में गुब्बारे व कबूतर छोड़कर किया। प्रतियोगिता के पहले दिन महिला पुलिस व केएलपी कॉलेज की टीम ने रस्साकसी में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में भाग ले रही महिला खिलाड़ियों का कहना था कि खेलों से जहां आपसी भाईचारा बढ़ता है, वहीं शारीरिक व मानसिक विकास भी होता है। इसलिए परिजनों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को खेलों में भाग लेने से न रोकें, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आपको बता दें कि 28 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पुरुष, महिलाएं व बच्चे भाग लेंगे। डीएसपी मुख्यालय को इस प्रतियोगिता का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, मीडिया कर्मी तथा आमजन को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं प्रतियोगिता में पुरुषों के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट व रस्साकसी तथा महिलाओं के लिए मटका दौड़ 100 व 200 मीटर की व रस्साकसी तथा बच्चों के लिए 100 मीटर की दौड़, म्यूजिक चेयर आदि के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। मेरा नाम नैना है, मैं केएलपी कॉलेज की छात्रा हूँ और जैन स्कूल से मैंने अंडर 19 फुटबॉल का नेशनल खेला है स्कूल गेम। कहाँ का खेला है आपने? मैं रेसलिंग में 3 बार स्टेट जा चुकी हूँ, पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ रेसलिंग में, और फुटबॉल में मेरा अंडर 19 में गोल था, तेलंगाना खेलने गई थी। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मेरे मम्मी पापा मेरा पूरा साथ देते हैं, कोच चरण सिंह सर हैं, अभी जो नए कोच है वो भी हमारे बहुत अच्छे हैं, इंद्रजीत सर हैं, पीटे मैडम हमारी जैन स्कूल की जो पीटे मैडम निर्मला मैडम, उसने भी मेरा बहुत साथ दिया है। आज यहाँ क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पे पुलिस पब्लिक जो सद्भावना वाली जो टूर्नामेंट थी, इसमें मैंने रस्साकसी में पार्टिसिपेट किया। क्या दूसरे लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं दूसरी लड़कियों से ये कहना चाहूंगी कि खेलों में भी अपनी रुचि बढ़ाए और अपने मम्मी पापा को समझाए ताकि उन्हें पूरा सपोर्ट मिल चुके सके। मेरा नाम रिंकी है और मैं सन सिटी, मैं रेवाड़ी की हूँ, और मेरे मम्मी पापा ने मेरे को स्पोर्ट्स में जाने के लिए मैं सबसे पहले मेरे पापा ने साथ दिया है, और मैं जैन स्कूल से 12th क्लियर की है, मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्लेयर हूँ और मैं फुटबॉल में मैं कीपर खेलती हूँ, और यहाँ तक कि मेरे चरण सिंह सर है सबसे ज्यादा, उन्होंने मेरे सपोर्ट किया है कि कीपर में तो आगे बहुत ज्यादा। अब कहाँ कहाँ तक खेले आप? मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल चुकी हूँ, मैं चेन्नई गई थी लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी की तरफ से गोलकीपर में। क्या मानते हो गेम्स कितने जरूरी हैं स्टूडेंट लाइफ के लिए? स्टूडेंट के लिए जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना ही उसके लिए स्पोर्ट्स जरूरी है, बिना स्पोर्ट्स के मतलब किसी चीज का कोई वो नहीं है, स्पोर्ट्स में रहेंगे तो हर एक चीज में हमें हर फील्ड में सबसे पहले लिया जाता है। दूसरे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? दूसरों को ये कहना चाहते हैं कि वो पहले वो खुद हो तो अपने पेरेंट्स को समझाए और खुद अपने पेरेंट्स को करे, और इस वजह से उन्हें भी आगे होगा। आज क्या कहाँ आए थे? क्या आज हम रस्साकसी गेम था यहाँ पे, तो इस वजह से आए थे और केएलपी कॉलेज की। आजकल जैसे कुछ पेरेंट्स जो है वो लड़कियों को बाहर भेजना पसंद नहीं करते, ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या संदेश? ऐसे पेरेंट्स को यही देना चाहते हैं कि वो ऐसा जैसा गलत होता है ऐसा कुछ ना करे, वो अपनी लड़कियों को पूरा साथ दे और उनको भी विश्वास करे, विश्वास रहेगा तो लड़कियां भी आगे जाएंगी और उन माँ बापों का नाम रोशन करेगी, जैसे मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास करके मेरे को खेलने दिया।